मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड स्टार्ट करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूँगी ठीक है राइट हैंड साइड है हमारे पास टेन थर्टी सेवन डिग्री टेन को हम लिख सकते हैं टेन थर्टी सेवन को हम लिख सकते हैं 45 फाइव डिग्री माइनस एट डिग्री ठीक है अब देखें हमारे पास टेन अल्फा माइनस बीटा बन गया ठीक है टेन अल्फा माइनस बीटा अल्फा की जगह फोर्टी फाइव और बीटा की जगह एट डिग्री टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है हमारे पास टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन एट डिग्री डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन फोर्टी फाइव डिग्री टेन एट डिग्री ठीक है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन माइनस टेन एट डिग्री की जगह हमने साइन एट डिग्री डिवाइड बाई कॉस एट डिग्री पुट कर दिया वी नो देट टेन इज़ इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस इसी तरह वन प्लस टेन फोर्टी फाइव की जगह वन और टेन एट डिग्री की जगह साइन एट डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज एट डिग्री एलसीएम लेंगे ठीक है कॉज एट डिग्री मल्टीप्लाई वन कॉज एट डिग्री माइनस साइन एट डिग्री डिवाइड बाई कॉज एट डिग्री ठीक है इसी तरह ये डिवाइड आ जाएगा फिर कॉज एट डिग्री मल्टीप्लाई वन कॉज एट डिग्री प्लस साइन डिग्री डिवाइड बाई कॉज एट डिग्री कॉज एट डिग्री कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा कॉज एट डिग्री माइनस साइन एट डिग्री डिवाइड बाई कॉज एट डिग्री प्लस साइन एट डिग्री और यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड से हमने प्रूफ कर लिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइ एंगल ए बी सी एक ट्राइ है ठीक है अल्फा बीटा और गैमा उस ट्राई के एंगल्स हैं शो दैट कॉट अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू प्लस कॉट गैमा बाय टू इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय टू कॉट बीटा बाय टू कॉट गैमा बाय टू हमने ये प्रूफ करना है ठीक है अब देखिए हम जानते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है सम ऑफ एंगल्स मतलब एड करना ऐड करना सम मतलब ऐड करना एंगल्स को ठीक है ऑफ ट्राइ एंगल को ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसका वो हमारे पास वन एटी के इक्वल होता है ठीक है अब देखिए हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है अल्फ़ा बाय टू बीटा बाय टू गैमा बाय टू तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसे हम टू से डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाई टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन एटी डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो अल्फ़ा बीटा और गैमा में जो है आप टू को अलग कर दें अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाय टू प्लस गैमा बाई टू इज़ इक्वल टू डिवाइड करेंगे वन एटी को टू पे तो आ जाएगा आपके पास नाइन्टी डिग्री ठीक है अब गैमा हम उस साइड पे ले जाते हैं अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू तो नाइन्टी डिग्री माइनस गैमा बाय टू इस साइड पे प्लस का है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन में कॉट ठीक है तो हमें पता है हम अगर टेन अप्लाई करें तो आ, उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है टेन अप्लाई uh, करेंगे तो हम उसे फाइंड करने के बाद उसका रेसिप प्रॉपर लेंगे तो हमारे पास कॉट बन जाएगा अब हम एल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस गैमा बाई टू बहुत साइड क्या करेंगे टेन अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर टेन मल्टीप्लाई करवा दिया और नाइन्टी को हमने लिख दिया वन मल्टीप्लाई नाइन्टी डिग्री ठीक है अब देखिए ये फार्मूला टेन एल्फ़ा प्लस बीटा का टेन एल्फा बाई एल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा ठीक है यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया गया है अब देखें ये आ, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ नाइन्टी है ठीक है तो टेन अपने आ, रेसिप्रोकल आ, कह सकते हैं आप ठीक है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में और ये आ जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा बाय गेमा बाय टू और प्लस है या माइनस है इसके साथ तो ये चेक करेंगे हम आ, हमारे पास है यहाँ पे नाइन्टी का मल्टीपल है वन ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आ, और आ, एंगल है नेगेटिव तो हम बैक कॉर्नर में चले जाएंगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं इट्स मीन दैट कॉट एल गैमा बाई टू पॉजिटिव रहेगा ठीक है इस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ पे टेन का फार्मूला अप्लाई हो गया ठीक है अब हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल जो है ले लेते हैं टेन अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू वन बाय कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन बीटा की जगह आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय कॉट बीटा बाय टू होल डिवाइड ठीक है ये डिवाइड आ जाएगा वन माइनस टेन अल्फा बाई टू की जगह और ये टेन बीटा बाई टू वन डिवाइड बाय कॉट अल्फ़ा बाय टू कॉट बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई टू एल्सीयम लेंगे कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू प्लस ये एल्सीयम आ गया हमारे पास और नोवीरेटर कॉट बीटा बाय टू प्लस कॉट अल्फ़ा बाय टू ठीक है अब ये जो डिवाइड है इसकी जगह ये डिवाइड आ गया हमारे पास कॉट अल्फ़ा बाय टू कॉट बीटा बाय टू एल्सीयम ये जो है कॉट अल्फ़ा बाय टू कॉट बीटा बाय टू वन से मल्टीप्लाई हो के एज इट इज़ और माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ये वाला वन आ जाएगा अब कॉट अल्फ़ा बाय टू बीटा बाय टू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास रह जाएगा कॉट अल्फ़ा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉड अल्फा कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू माइनस वन और ये एज इट इज आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय टू और ये कॉट अल्फ़ा बाई टू काट बीटा बाई टू माइनस वन इस साइड पे आ जाएगा अब कॉट को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा कॉट गैमा बाई टू कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाय टू ठीक है ये आ जाएगा गैमा और फिर अल्फा बीटा गैमा मैंने यहाँ पे अरेंज भी कर दिया इसको ठीक है माइनस कॉट गैमा बाय टू वन से मल्टीप्लाई होके माइनस कॉट ग्यामा बाय टू आ जाएगा ये एज इट इज रहेगा अब देखिए ये कॉड ग्यामा बाय टू जो नेगेटिव का है इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस ठीक है तो कॉड अल्फा बाय टू प्लस कॉट बीटा बाय टू कॉट ग्यामा बाय टू यहाँ पे प्लस भी आएगा सॉरी ठीक है माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा इसवल टू कॉट एल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू कॉट गैमा बाय टू और यही हमने प्रूव करना था आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स या हैंड रिटर्न नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें थैंक यू सो हाफिज़